वर्तमान में हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाएं अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। संस्मरण, यात्रा विवरण, इंटरव्यू या साक्षात्कार, निबंध इत्यादि ऐसी लोकप्रिय विधाएं आज हिंदी में अपना स्थान जमा चुकी है और जिनसे जुड़ करके अनेक अनेक साहित्यकार अपनी रचनाएं संपादित कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हिंदी गद्य की एक अभिनव कला रूप के अर्थ में जन्मी विधा रेखाचित्र है, जो चित्रकला और साहित्य के सौजन्य से अभिनव कला रूप को प्राप्त करती है। दरअसल चित्रकला में जो काम रेखाओं का होता है, साहित्य में वही काम शब्द करते हैं। अर्थात चित्रकला के स्वरूप को उभारने में जितनी महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, उतनी ही साहित्य के स्वरूप को उभारने में शब्द होते हैं। अर्थात शब्द का प्रयोग रेखाचित्र में उसी आधार पर किया जाता है कि रेखाचित्रकार जिस अनुभूति को लेकर के और रेखाचित्र को संपादित कर रहा है, उसमें उसके शब्द रेखाओं की तरह प्रयोजित हों। इसलिए रेखाचित्र में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कर देना, ये रेखाचित्र का एक स्वरूप है। रेखाचित्र के विकास की बात हम करें तो हम पाएंगे कि रेखाचित्र का विकास सन 1912 में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा लिखित औरंगजेब रेखाचित्र से होता है, जो कि उस समय में प्रचलित मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो रेखाचित्र की एक लंबी परंपरा हिंदी के अंतर्गत आती है और इस परंपरा का स्वागत भी हुआ है। रेखाचित्रकार जब रेखाचित्र का रूप वर्णित करता है या रेखाचित्र को लिखता है, तब वह अपनी कल्पना को एक ओर रख देता है तथा दृश्य, स्थिति और घटना से ऐसा जुड़ता है कि उनके साथ वो तादात्म्य स्थापित कर लेता है और वह बिना अपनी कल्पना के प्रयोग के स्थिति का, घटना का, दृश्य का हूबहू चित्र अपने रेखाचित्र में उपस्थित कर देता है। इस तरह रेखाचित्र में दृश्य, घटना, स्थिति बोलने लगती है। वह शब्दों के अनुप्रयोगों से देखे हुए दृश्यों को, स्थितियों को, घटनाओं को इतना अधिक रोचक और जीवंत बना देता है कि मानो रेखाचित्र बोलने लगता है। जिस प्रकार चित्र अपनी जुबान से अपने स्वरूप का बखान कर देता है, उसी प्रकार से
रेखाचित्र में निहित शब्द भी अपने अर्थों के माध्यम से रेखाचित्र के चित्र को स्पष्ट कर देते हैं। इस तरह रचनाकार रेखाचित्र को उभारने में शब्दों के प्रति अति संयत होकर के और उनका अनुप्रयोग रेखाचित्र में करता है। इसीलिए रेखाचित्रों को भी चित्रकला के समीप रखा जाता है। अंतर इतना है कि चित्रकला दृश्य रूप में आती है और रेखाचित्र पठन और पाठन के क्षेत्र में आता है, मगर दोनों ही विधाओं में एक चित्र बराबर बराबर हमारी मानसिकता में उपस्थित हुआ हमको मिलता है। रेखाचित्र में भावनाओं, संवेदनाओं, विशेषताओं और अनुभूतियों का रूप एकत्रित हुआ मिलता है। रेखाचित्रकार की अनुभूति जितनी तीव्र होगी, जितनी प्रगाढ़ होगी, उसकी अनुभूति जितनी ज़्यादा लुनाई लिए होगी, उतना रेखाचित्र सफल होकर के सामने आता है। वस्तुतः देखा जाए तो रेखाचित्र यथार्थ का चटकीला रंग है, अर्थात जिस दृश्य से रेखाचित्रकार परिचित हो रहा है और उस दृश्य की जिन विशेषताओं को वह अपनी अनुभूति में उतार रहा है, उसको जब वह अपनी कल्पनाओं के पुट से, अपनी अनुभूतियों के माध्यम से जब उसे उकेरता है, तब वह अत्यंत ही सुंदर और अर्थवान बन जाता है। इसीलिए रेखाचित्रकार रेखाचित्र में देखी हुई चीज़ और देखे हुए दृश्य को इस तरीके से प्रस्तुत करता है मानो वे जीवंत होकर या साकार होकर के शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसलिए अनुभूति की जितनी तीव्रता होगी, साथ ही साथ कल्पनाओं का जितना प्रसार होगा, उतना रेखाचित्रकार अपने रेखाचित्र को उद्भासित करने में सफल होगा। जब कोई रेखाचित्रकार किसी दृश्य को देखता है तो वह उस दृश्य से जुड़ जाता है, उस दृश्य से संयुक्त हो जाता है। जितना अधिक वह दृश्य वस्तु, घटना या स्थिति से जुड़ेगा, रेखाचित्र उतना यथार्थ परक, उतना संवेदना परक और उतना अर्थवान बनेगा। रेखाचित्रकार जब कोई रेखाचित्र प्रस्तुत करता है तो वह जिन शब्दों का उपयोग उसके अंतर्गत करता है, उन शब्दों में वह नए नए प्रकार के अर्थ भरने की कोशिश करता है। जितनी ज़्यादा सटीकता के साथ वह शब्दों को प्रयुक्त करेगा और जितने ज़्यादा अर्थवान शब्दों का प्रयोग वह अपने रेखाचित्र के अंतर्गत करेगा, तो रेखाचित्र दृश्य स्थिति का रूप उतनी ही महत्ता और अर्थ के साथ प्रकट करने में सक्षम होंगे। वास्तव में एक रेखाचित्रकार यथार्थ का स्वरूप विश्लेषित करने में इतना अधिक दृश्य से संयुक्त हो जाता है कि उन दोनों के बीच में
किसी भी प्रकार का पार्थक्य नहीं रह पाता। जब तक दृश्य से तादात्म्य नहीं होगा तब तक रेखाचित्र अपने यथार्थ स्वरूप के साथ सामने नहीं आएगा। इसलिए रेखाचित्रकार जब किसी रेखाचित्र को विश्लेषित करता है या लिखता है तब वह यथार्थ के साथ बराबर बराबर जुड़ा रहता है। और यही कारण है कि एक रेखाचित्र में रेखाचित्रकार यथार्थ के चटकीले रंग भर देता है। अब हम रेखाचित्र का विभिन्न विधाओं के साथ तालमेल या साम्य वैषम्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जब रेखाचित्र के साथ जीवनी साहित्य की तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि जीवनी में निजी अनुभूतियों, निजी कल्पनाओं, निजी विशेषताओं, निजी भावनाओं का कोई काम नहीं होता। रेखाचित्र में यह सब महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जीवनी साहित्य रचने में कल्पना को आधार नहीं बनाया जा सकता, निजी संवेदनाओं का आधार नहीं बनाया जा सकता। रचनाकार जीवनी लिखने में तटस्थ बना रहता है लेकिन रेखाचित्र के निष्पादन में वो तटस्थ नहीं हो पाता। रेखाचित्र का तो यह रूप है कि जितना रचनाकार अपनी संवेदनाओं, अपनी भावनाओं और अपनी कल्पनाओं के जितने रूप लेकर के वह बढ़ेगा, उसका रेखाचित्र या उसके द्वारा बनाया गया रेखाचित्र या वर्णित किया गया रेखाचित्र उतना ही साकार हो उठेगा। इसलिए रेखाचित्र के अंतर्गत निजी कल्पनाओं, भावनाओं और संवेदनाओं का आधार बराबर बराबर होता है, जीवनी में यह नहीं होता। तो जीवनी में रचनाकार अपनी अनुभूतियों और कल्पनाओं से जीवनी को परिभाषित नहीं करता लेकिन रेखाचित्रकार अपनी रेखाचित्र को वर्णित विश्लेषित करने में भावनाओं और कल्पनाओं का आधार बराबर बराबर लेकर के चलता है। यही एक कारण है कि जितनी अधिक निजता को रेखाचित्रकार अपने रेखाचित्र में लाएगा उसका रेखाचित्र उतना अधिक पुष्ट हो सकेगा। अब हम रेखाचित्र और सूचनिका दोनों में क्या अंतर है इस बात पर विचार करेंगे कि रेखाचित्र दृश्य, स्थिति और घटना आदि से जुड़ करके चलता है, जबकि सूचनिका सिर्फ घटना से जुड़ी होती है। क्योंकि सूचनिका में सूचना देना होती है, इसलिए यदि कोई घटित घटना होती है उस घटित घटना की सूचना सूचनिका के माध्यम से दी जाती है, जबकि रेखाचित्र तो दृश्य, स्थिति और घटना से जुड़ करके अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए रेखाचित्र और सूचनिका में सिर्फ एक ही एक अंतर है कि सूचनिका सिर्फ घटना को छूती है जबकि रेखाचित्र दृश्य, स्थिति, व्यक्ति
और घटना इत्यादि सभी को छू करके आगे बढ़ता है। सूचनिका में घटना के यथार्थ स्वरूप को परिभाषित किया जाता है और उसे बताया जाता है। अलबत्ता रेखाचित्र में भी स्थिति, घटना और दृश्य का हूबहू चित्र होता है, लेकिन सूचनिका दृश्य और स्थिति का वर्णन विश्लेषण नहीं करती, वह तो मात्र घटना के रूप को व्यक्त करती है। अब हम रेखाचित्र और कहानी के बीच जो अंतर है या साम्य है उस पर यहाँ विचार करेंगे कि रेखाचित्र और कहानी दोनों ही वस्तु, दृश्य और संवेदना को लेकर चलती हैं। दोनों ही में वस्तु, व्यक्ति, संवेदना, दृश्य बराबर बराबर रूप में घटित होता रहता है। रेखाचित्र और कहानी दोनों ही में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात की जाती है। अगर अनावश्यक रूप से कोई रेखाचित्र विस्तार पाता है, अनावश्यक रूप से कोई कहानी विस्तार पाती है, तो उसका प्रभाव बिखर जाता है। इसलिए कहानीकार और रेखाचित्रकार दोनों ही अपने कथ्य को निष्पादित करने में कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह दोनों में समानता है और इसी कारण कहानी भी अपनी सार्थकता को पा लेती है और रेखाचित्र भी अपनी सार्थकता को पा लेते हैं। इसलिए उन अर्थवान शब्दों का प्रयोग रेखाचित्रकार और कहानीकार बराबर करता है जो उसके कथ्य को संप्रेषित कर सके। इसलिए कहानी में और रेखाचित्र में प्रयोग में आने वाले जो शब्द होते हैं वे शब्द अर्थवान हो और कम से कम उनकी गणना हो। अगर हम अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग रेखाचित्र और कहानी में करेंगे तो इससे हमारे कथ्य का, हमारे कथानक का जो स्वरूप है वह स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों ही विधाओं के अंतर्गत कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक बात की जाती है और यही वजह है कि रेखाचित्र और कहानी दोनों ही पाठकों के समीप पहुंच जाती है। अब हम रेखाचित्र और संस्मरण को लेकर अपनी बात करते हैं। रेखाचित्र और संस्मरण में अधिक पार्थक्य नहीं है, बल्कि ऐसा माना जा सकता है कि रेखाचित्र और संस्मरण दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। उनमें पार्थक्य स्थापित करना सिर्फ एक बहुत ही महीन दृष्टि का काम है। संस्मरण भी रेखाचित्रकार की स्मृति में संचित जो दृश्य है, जो घटनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उसके बल से निकल कर के आते हैं और रेखाचित्र में भी रेखाचित्रकार कम से कम शब्दों के माध्यम से अपने अनुभूतियों का प्रसार करता है। संस्मरण में और रेखाचित्र में दोनों ही में व्यक्ति,
रेखाचित्र और संस्मरण से तटस्थ नहीं रह पाता, वह उसमें जुड़ जाता है। यही कारण है कि रेखाचित्र और संस्मरण दोनों ही एक दूसरे के अधिक समीप हैं। महादेव वर्मा ने स्मृति की रेखाएं शीर्षक से अपने रेखाचित्र और संस्मरणों को बांधा है। वहाँ स्मृति से आशय स्मरण से है और रेखाओं के से आशय रेखाचित्र से है। इसलिए इन दोनों विधाओं में पार्थक्य स्थापित करना एक बड़ी महीन दृष्टि का काम है। वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये दोनों ही विधा एक दूसरे के अधिक समीप प्रतीत होती है। अब अंत में हम देखना चाहेंगे कि रेखाचित्र और आत्मकथा में पारस्परिक संबंध क्या है। आत्मकथा में लेखक तटस्थ रहता है, लेकिन रेखाचित्र के निष्पादन में रचनाकार तटस्थ नहीं रह पाता। वही आत्मकथा श्रेष्ठ मानी जाएगी जिसका लेखक आत्मकथा लिखते वक्त तटस्थ भाव से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करे। वह दूर रह करके बात को कहेगा, अर्थात वह अपनी निजता को उसके अंतर्गत रोपित नहीं करेगा, तो उसका जो जीवन आत्मकथा के रूप में आएगा वह किसी भी प्रकार के विकारों को लेकर के नहीं आएगा। जबकि रेखाचित्र को वर्णित करने में रचनाकार तटस्थ नहीं रह पाता, वह दृश्य का अवलोकन और स्थिति का अवलोकन करता है तो उन दोनों के विवेचन में वह अपनी उपस्थिति को बराबर बराबर बनाता है, अपनी अनुभूतियों को बराबर बराबर उन दृश्यों से जोड़ करके अभिव्यक्त करता है। इसलिए रेखाचित्र में रेखाचित्रकार तटस्थ नहीं रह पाता और अपनी आत्मकथा लेखन में रचनाकार को तटस्थ रहना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेखाचित्र हिंदी गद्य विधा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। इस विधा को आधुनिक समय में भी बड़ी तीव्रता के साथ लिखा जा रहा है। अब रेखाचित्र के वर्णन विश्लेषण में नई नई दृष्टियां आई हैं और इन नई दृष्टियों के कारण रेखाचित्र अपने नए नए स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। परंतु रेखाचित्र में निहित जो संवेदना है, जो अनुभूतियां हैं, वे अनुभूतियां, वे संवेदनाएं बराबर बराबर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि रेखाचित्र में यथार्थ का चटकीला रंग तभी आएगा जब रेखाचित्रकार अपनी अनुभूतियों को, अपनी संवेदनाओं को रेखाचित्र में अभिव्यक्त करेगा। अपनी अनुभूतियों और अपनी संवेदनाओं
से जब तक किसी रेखाचित्र को रेखाचित्रकार विश्लेषित नहीं करेगा तब तक वह उस रेखाचित्र के अंतर्गत प्राणवत्ता को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए रेखाचित्र को वर्णित करने में स्थिति और घटना से हूबहू साक्षात्कार करते हुए रेखाचित्र आगे बढ़ता है, तभी वह रेखाचित्र साहित्य का एक अभिनव कला रूप लेकर हमारे सामने आता है।